जय श्री कृष्णा। दिनांक 22/12/20 को प्रश्नावली 4 में जैसे एक वृत्त जिसके अंतर्गत उसका मध्य बिंदु त्रिज्या व्यास अभ्यंतर बिंदु बहिर्भाग में बिंदु के बारे में हमने प्रश्न हल करवाए थे। आज हम नई प्रश्नावली ले रहे हैं। अध्याय 5 प्रारंभिक आकारों को समझना, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम आता है, देखिए इसकी भूमिका। सबसे पहले आता है 5.1 भूमिका। भूमिका में क्या है, देखिए अपने आसपास हम जो भी आकार देखते हैं वे वक्रों या रेखाओं में, हम अपने परिवेश में कोने किनारे तल खुली वक्र बंद वक्र देखते हैं, जैसे रेखाखंड कोणों त्रिभुजों बहुभुजों वृत्तों में संगठित करते हैं और चिन्हित साइज या मापों के होते हैं। तो मापों की तुलना करने के लिए हम कुछ विधियां विकसित करते हैं, जिसके अंतर्गत आता है देखिए रेखाखंडों को मापना। क्या आता है 5.2 के अंदर आता है रेखाखंड को मापना। रेखाखंडों को हम मापना मापना जैसे देखिए हमने अनेक प्रकार के रेखाखंड को देखा और हम खींचते हैं। एक त्रिभुज तीन रेखाखंडों से रेखाखंडों से बनता है, एक चतुर्भुज चार रेखाओं से बनता है। जैसे देखिए त्रिभुज तीन रेखाखंडों से खंडों से बनता है। त्रिभुज तीन रेखाखंडों से बनता है, चतुर्भुज चार रेखा खंडों से बनता है। चतुर्भुज चार रेखा खंडों से बनता है। जैसे हम एक रेखा खंड, जैसे आपने देखा होगा हम एक रेखा खंड जैसे मान लीजिए हम खींचते हैं, जैसे ये बिंदु ए बी और हम एक और खींचते हैं जैसे ये सी और डी। हमने दो रेखा खंड खींचा जैसे एक रेखाखंड हमने ए बी और एक रेखाखंड हमने जैसे ए और बी सी और डी हमने एक दो रेखाखंड हमने खींचा। इन दोनों रेखाखंडों की जब यदि हम तुलना करते हैं तो हम लंबाइयों के बीच एक संबंध स्थापित करते हैं। ऐसा अनेक विधियों से किया जा सकता है। हम पहली है हम इसको देख करके पहली विधि है देख करके विधियां इसको नापने की विधियां हम इसको देखिए देख कर तुलना करना। हम ये देख करके बता सकते हैं कि रेखाखंड बड़ा कौन सा ए बी है और छोटा C
सी डी है, तो हम रेखाखंड जैसे मान लीजिए देखते हैं ए बी बड़ा है बड़ा और सी डी छोटा, ये हम इसके अंतर्गत दर्शा सकते हैं और हम देख सकते हैं। परंतु आप अपने सामान्य निर्णय के बारे में सदैव निश्चित नहीं हो सकते। उदाहरण निम्नलिखित रेखाखंडों को देख करके, जैसे देखिए, जैसे हमने एक रेखाखंड, जैसे ये हमने एक रेखाखंड खींचा, जैसे मान लो ये एक रेखाखंड, ये हमने दो रेखाएं खींची, इसको देख करके हम ये अनुमान नहीं लगा सकते। जैसे इन दोनों रेखाखंडों की लंबाइयों का अंतर इतना स्पष्ट नहीं होता, अतः हमें तुलना करने की अन्य विधियों की भी आवश्यकता होती है। देखिए, जिसके अंतर्गत जैसे हम अब हम उसके बाद में जैसे मान लीजिए हमने रेखा खींची, जैसे मान लीजिए ये एक हमने इसको माना P Q और ये B और ये P, जैसे मान लीजिए रेखाखंडों को वास्तव में जैसे हम ए बी बराबर पी क्यू, जैसे ये हमने दो रेखाखंड ए बी और पी क्यू की एक ही लंबाई है, ये इतना स्पष्ट नहीं होता कि जैसे मान लो पी क्यू की जो लंबाई और ए बी की लंबाई दोनों की बराबर है या नहीं, इससे हम स्पष्ट नजर नहीं आते। इससे ये पता चलता है कि ये दोनों ए बी और पी क्यू की लंबाई बराबर है या अथवा नहीं। तो इसको हम जैसे हम एक रेखा खींचते हैं, जैसे मान लीजिए रेखाखंड ये हमने एक रेखा खींची और एक रेखा हमने जैसे ये खींची, ये इसके नोट लगाया हमने या भी एक नोट लगाया, तो इससे ये पता चलता है कि इसमें लंबी कौन सी रेखाखंड है और ए बी और सी डी, जैसे ए बी और सी डी, इससे हम पता लगाते हैं। जिसे देखिए हम ए बी एबी और सीडी यह कि वास्तव में संलग्न आकृति में एबी और पीक्यू, और जैसे हम दूसरी विधि है, पहली तो है मतलब हम बनाते हैं कि देख कर तुलना, दूसरी है अक्ष, दूसरी है अक्ष द्वारा, अक्ष द्वारा तुलना ए बी बराबर सी डी की तुलना करने के लिए हम एक अक्ष या कागज प्रयोग करते हैं। हम अक्ष कागज पर सी डी का अक्ष खींचते हैं, जैसे सी डी का हम एक अक्ष खींचते हैं, इस अक्ष कागज पर बने रेखाखंडों को ए ए बी पर हम सी डी का एक हमने कागज पर अक्ष खींचा, उसको ला करके हम ए बी पर रखते हैं। क्या आप बता सकते हैं ए बी और सी डी में कौन सा बड़ा है? ये विधि इस बात पर निर्भर करती है हम रेखाखंड का अक्ष कितनी शुद्धता से खींचते हैं। इसके अतिरिक्त यदि किसी
रेखाखंड से तुलना करते हैं तो अन्य रेखाखंड का भी अक्ष खींचना पड़ेगा, ये कठिन है। रेखाखंड की तुलना करनी हो तो आप सदैव रेखाखंड का अक्ष ही नहीं खींचते रहेंगे। जैसे फिर आता है अगला, क्वेश्चन नंबर तीसरा आता है रूलर। रूलर और डिवाइडर, जैसे रूलर का मतलब होता है स्केल, जैसे आपने देखा होगा जैसे ये हमारी एक स्केल है स्केल, और दूसरा आता है प्रकार, जैसे ये एक प्रकार है, जैसे ये हमारा प्रकार जैसे हम खींचते हैं तो ये इस प्रकार से रूलर होता है, जिसके अंतर्गत देखिए ये इसमें एक प्रकार का ये एक डिवाइडर होता है, जिसके अंतर्गत हम आसानी से उसको खींच सकते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, जैसे देखिए हम इसको नाप सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 या 10। जैसे देखिए जब हम यहां से शुरू करते हैं एक सेमी बराबर 10 मिलीमीटर इसके अंतर्गत होता है।